अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से 4 महीने पहले का ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 4 महीने पहले का कंफर्म टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मोटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जनरल कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का जनरल कंटेंट हमेशा आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन से 4 महीने पहले का ट्रेन टिकट बुक करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम 4 अंकों का पिन अपना एंटर करेंगे जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाते समय क्रिएट किया हुआ था। इस कैप्चा को हम यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हम ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से पेज चेंज हो जाएगा। यहाँ हम बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम यात्रा करने का स्टेशन डालेंगे। यहाँ यात्रा जहाँ पे ख़त्म करना है उस स्टेशन का हम नाम डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ क्लास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कि हमें एसी का टिकट चाहिए, स्लीपर का चाहिए। यहाँ से हम अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ कोटा पे क्लिक करेंगे और कोटा चूज करेंगे कि हमें कौन सा कोटा से टिकट चाहिए। जनरल कोटा से चाहिए, लेडीज से चाहिए, तत्काल से चाहिए, लोअर बर्थ से चाहिए, सिटीजन से चाहिए, प्रीमियम तत्काल से चाहिए या पर्सनल विथ डिसेबिलिटी से चाहिए। मैं यहाँ पे जनरल रहने देता हूँ। उसके बाद इस कैलेंडर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर बार बार क्लिक करेंगे, देखेंगे कहाँ तक हमें टिकट अवेलेबल दिखा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 9 तारीख तक दिखा रहा है, तो पूरे 9 तारीख तक टिकट अवेलेबल नहीं होता है। केवल ओनली 120 दिन पहले का टिकट आप बुक कर सकते हैं, इसलिए हम 6 तारीख पर क्लिक करेंगे और यहां ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हम स्लीपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे टिकट हमारा अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे आपकी 6 मई में 89 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे 450 में फेयर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ ओके पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर मास्टर लिस्ट आपने बना रखा होगा तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। इस पर स्क्रॉल करेंगे, जितने भी मास्टर लिस्ट होगी सब डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपने मास्टर लिस्ट बनाया होगा तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। अगर मास्टर लिस्ट नहीं बनाया है आपने तो यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ ऐड न्यू, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम पैसेंजर का नाम एंटर करेंगे, यहाँ एज एंटर करेंगे, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पुरुष है तो मेल क्लिक करेंगे और महिला है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे बर्थ प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सीट ऊपर नीचे का जो सा भी चाहिए हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पैसेंजर ऐड हो चुका है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी मोबाइल नंबर पे हमारा रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, इस पर हम क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट का मेथड आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से मोड मिलने वाला है, पेमेंट का ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, वॉलेट और अदर्स का भी ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप इंश्योरेंस चाहिए तो यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 1-2 रुपये चार्ज लगता है और इंश्योरेंस हो जाता है। अगर इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो हम यहाँ नो वाले पे क्लिक करेंगे और रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। इस कैप्चा को यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से अलर्ट आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन हम चूज करना चाहेंगे तो मल्टीपल कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वॉलेट का इस्तेमाल करें। वॉलेट में क्या होता है कि आप ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे और पेमेंट हो जाता है, हमारा टिकट बुक हो जाता है। यहाँ पर मगजमारी का काम नहीं होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वॉलेट का ही यूज करें। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है।
यहाँ पे आप आया सीटीसी का वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देख सकते हैं, पेटीएम देख सकते हैं, मोबीक्विक देख सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप फोन पे का भी ऑप्शन देख सकते हैं, डेबिट कार्ड और आईसीआई बैंक का भी देख सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है। तो चलिए हम फोन पे क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन मिलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका अपना एटीएम कार्ड नंबर एंटर करने का। उसके बाद एक्सपायरी डेट डालेंगे, सीवीवी कोड डालेंगे और ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे। उसके बाद आपका टिकट कन्फर्म बुक हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का जनरल कंटेंट हमेशा आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।